कितने तीर्थ घूमिए, कितना रहो खामोश, पिंड दान व तर्पण बिन मिटे ना पितृदोष, पितृदोष से मुक्ति बिन मिलता ना सुख धन, श्राद्ध कर्म से होता है आनंदमय जीवन। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज। खुशहाली हो भूलिए ना श्राद्ध, दिन अमावस खास है श्राद्ध कर्म पूजन, तृप्ति होती पितरों की खाते ब्राह्मण जन। जय पितृ महाराज, रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज, रखना सदा ही।
चाहते हैं करे कोई पिंडदान। दादा दादी माता पिता श्राद्ध करे इनका, भोजन शुद्ध बनवाइए एक दो ब्राह्मण का। जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज, जय पितृ महाराज रखना सदा ही लाज। ब्राह्मण भोजन जो करे पितरों को मिलता, श्राद्ध कर्म तो पुण्य है फलता। गौ माता का दूध भी उत्तम है माना, श्राद्ध में सम्मिलित करे भूल ना जाना। जय पितृ महाराज चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ना गवाना, थोड़ा सा ध्यान प्रभु चरण में लगाना। अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ना गवाना, थोड़ा सा ध्यान प्रभु चरण में लगाना। सुमिरन का कर ले सफर धीरे धीरे, सुमिरन का कर ले सफर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। Thank you.
वो तेरे भीतर क्यों ना पहचाना। फिरता भटकता है क्यों, हुआ है दीवाना। बैठा वो तेरे भीतर क्यों ना पहचाना। संशय का हटा दे भंवर धीरे धीरे, संशय का हटा दे भंवर धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे। यही रह जाने तेरे महल धन दौलत, आएगा यम मिले क्षण की न मोहलत। हो यही रह जाने तेरे महल धन दौलत, आएगा यम मिले क्षण की न मोहलत। पाले रतन धीरे धीरे, पाले तू राम रतन धीरे धीरे। चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उमर धीरे धीरे। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का।
तन है माटी का ढेला। ये तन है माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा। ये तन है फूलों का बगीचा। धूप लगे मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है एक कच्ची हवेली। ये तन है एक कच्ची हवेली। बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपनों की माया। ये तन है सपनों की माया। आँख खुले कछु नाही, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोया है हमने पहले, जो पेड़ बोया है हमने पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये
इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम है यही धरा का, सत्य नियम है यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर हो, हर डाल हर पत्ते में समा कर फूल खुशी के खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है नहीं सकती है, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है।
जाए, राम नाम फूल झन सुल जाए, राम नाम फूल झन सुल जाए। माया जब जब मन उल जाए, राम नाम फूल झन सुल जाए, पत्थर तैराए सागर पर से तू बंधवाए, दो अक्षर का नाम ये प्यारा दिलवाता मुक्ति है, दिलवाता मुक्ति है, बाकी दुनिया बस एक सपना, बाकी दुनिया बस एक सपना, राम नाम है केवल अपना, बाकी दुनिया बस एक सपना, का नाम बनाए सबके बिगड़े काम, भक्तों पर मेरे राम प्रभु की कृपा बनी रहती है, कृपा बनी रहती है, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते।
श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे सुख पाएगा,
कैसे सुख पाएगा, प्रभु को नहीं पाएगा, प्रभु को नहीं बंगला धन और दौलत सब कुछ पाएगा, सब कुछ पाएगा, सब कुछ पाएगा, कैसे इनके प्यार का मोल तू चुकाएगा, मोल तू चुकाएगा, मोल तू चुकाएगा। हाँ, कोठी बंगला धन और दौलत सब पाएगा, कैसे इनके प्यार का मोल तू चुकाएगा। आंसू आंखों से आए तू हंस नहीं पाएगा, तू हंस नहीं पाएगा। धरती पे माँ बाप ही साचे भगवान है, साचे भगवान है, साचे भगवान है। जाने ये क्यों भूल बैठा आज इंसान है, आज इंसान है, आज इंसान है। हाँ, धरती पे माँ बाप ही साचे भगवान है, जाने ये क्यों भूल बैठा आज इंसान है। चंदन इनको अपना ले, चरणों में शीश झुका ले, स्वर्ग पा जाएगा, स्वर्ग पा जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है,
झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, कपट निंदा को त्यागो। हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो। हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, तय कर पाना क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा अच्छा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल तय कर पाना क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा अच्छा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, का अभिमान है झूठा यह तो आने जाने है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आने जाने है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही हो, राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा।
निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। प्रभु है
सब संभव हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा, जीवन में सुख पाएगा। राम नाम है केवल अपना, माया मोह जगत सब सपना, सब संभव हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा, जीवन में सुख पाएगा। हम महिमा गाएं, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाएं, आशीर्वाद मिलेगा इनका, चरणों में हम शीश झुकाएं, इनकी कृपा जिस पर होती उस घर में सदा रहती शांति, कष्ट कोई वहाँ नहीं रहता है, भादो मास की पूर्णमासी से पितृपक्ष के दिन शुरू होते, आश्विन की जब आती अमावस, पितृपक्ष होते हैं तब तक 16 दिनों तक ये होते हैं, इनका पूजन जो करते हैं काम सभी उनके बन जाते, श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ के सबसे पहले नहा के धो के पिंड दान देते पितरों को, मन से उनको याद है करते, श्राद्ध पक्ष में सच्चे मन से अन्न वस्त्र का दान जो करते, पितृ का आशीष वो पाते, पितरों से पाते वरदान, बनता उनका हर एक काम, अनहोनी नहीं होती घर में, आनंद रहता है जीवन में, पितृदेव सबके ही मिलकर 16 दिन रहते धरती पर, आपस में वो करते बात, 16 दिन होते पितरों के इन दिनों, ऐसा काम न कीजिए जिससे पितर हो नाराज, सोच समझ कर करिएगा, काम सभी ही बन जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, पितृ देव जिनके खुश रहते, हाथ जोड़ कर कीजिए पितरों का सम्मान, पितृदेव मुश्किल सारी करते हैं आसान, पितृपक्ष से जुड़ी है गाथा, महाभारत से जिसका नाता, आओ तुमको वो बतलाएं, कर्ण को मृत्यु जब थी आई, मुक्ति मगर नहीं उसने पाई, सोना चांदी इसकी मिली, जब जब कर्ण को भूख लगी, दुखी कर्ण ने बोला
मिला इंद्र से, भूख मिटेगी कैसे इनसे, कोई हल इसका बतलाओ, मुझको इससे मुक्ति दिलाओ। जो कुछ तुमने दान किया है, सब कुछ तुमको वही मिला है, कर्ण सुनो तुम लगा के ध्यान, तुमने किया ना का दान। दिन तर्पण के सुन लो प्यारे, पूर्वज रुष्ट होते हैं सारे, इंद्र देव ने सब समझाया, हाथ जोड़ कर कर्ण ये बोला, इसमें दोष नहीं कुछ मेरा, जब से मैं संसार में आया, पुत्र प्रभु मैं हूँ कहाया। उपाय पूर्वजों की मुक्ति का, किसी ने भी मुझे ना बतलाया, इसीलिए तो मैं पिंडदान, लह दिन मुझे दे दो उधार, अपनी भूल बोलूं मैं सुधार, पूर्वजों का सम्मान करूं मैं, अन्न और वस्त्र का दान करूं मैं। 16 दिनों के लिए दोबारा कर्ण फिर धरती पर आया, ब्राह्मण को था उसने बुलाया, अन्न और वस्त्र का दान कराया। कर्ण ने जो 16 दिन पाए, पितृ पक्ष वो दिन कहलाए, ऐसे ही पितृदेव सबके श्रद्धा भाव से पितृ पक्ष में करता है जो दान, प्रसन्न होकर पितृ देते खुशियों का वरदान। वायु पुराण में है एक गाथा, आओ तुम्हें वो भी बतलाता, गया सूर नाम का एक राक्षस, एक दिन विष्णु ने ब्रह्मा से बोला, पूछो जाकर उससे क्या है उसके मन की इच्छा, ब्रह्मा जी से बोला, मेरे मन की है ये इच्छा, इतना चाहे मेरा ये मन, मेरी देह हो जाए पावन, एक बार जो मेरे दर्शन कर ले वो हो जाए पावन, स्वर्ग लोक उसको मिल जाए, सुर भूला न समाया, वर उसने ब्रह्मा से पाया, स्वर्ग लोक सब जाने लागे, देवता सारे डरने लागे, स्वर्ग लोक अब सारे आए, नरक लोक कोई ना जाए, देवता सारे ही घबराए, गया सुर से ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्म यज्ञ मुझे करना होगा, आपकी देह है उचित बड़ी, इससे पावन जगह नहीं, हमने दिया तुमको वरदान, आपकी देह के तो समान, 20 कोस की आपकी देह, ब्रह्मा जी की बातें सारी मान ली, यज्ञ की हुई तैयारी, यज्ञ की अग्नि ने गया सुर, होने लगा भट्टी में व्याकुल, व्याकुलता से लगा वो हिलने, उसकी छाती पर विष्णु ने अपने पांव को दिया जमा, कोस की देह उसकी वो ही गया कहलाए, जहाँ विष्णु ने पांव धरा विष्णु पद कहलाए, विष्णु जी ने रखा जो पांव, दी अपनी कृपा की छांव, दूर किया गया सुर का गुमान, विष्णु जी ने दिया था ये वर, पितरों का जो यहाँ पे आकर तर्पण जो भी प्राणी करेंगे, दुष्ट कभी भी पितर न होंगे, विष्णु
पाद से ही गया सुर ने, मुक्ति पाई थी इस राक्षस ने, मुक्ति का है ये स्थान। सबसे पावन है ये धाम, पिंड दान जो गया में करते, उनके पितृ प्रसन्न है रहते, पितरों को कभी नहीं भुलाओ, जो करता पितरों का मान, पितृ रखें सदा उसका ध्यान, मुश्किल हो जाती आसान, पितृ सदा करते कल्याण। श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण को भोजन मन से कराए, उनको भोजन खा कर तृप्त हो जाते, श्राद्ध में मन से जो इंसान करता है वस्त्रों का दान, पाते पितरों से वरदान, आता नहीं है कोई संकट, पितृ यदि रहते हैं संतुष्ट, घर में सुख और वैभव आता, सोलह दिनों तक पितरों की सेवा जो करता मिलती है मेवा, सबसे पहले पितरों का पूजन करने से मिटती हर उलझन, हर पर अपनी दया लुटाओ, काम हमारे सभी बनाओ, पितृ देव हम तुम्हें मनाते, हाथ जोड़ कर पितरों का रवि करे अरदास, शर्मा के सिर पर सदा रखना अपना हाथ।